Assalamu alaikum to all my respectable and worthy students and all the educationists who are watching our YouTube channel. I put my humble thanks to you that you are watching our different videos and lectures, and you are encouraging us with every passing day. So that's your bundle of thanks that you are giving us encouragement and strength and potential. And inshallah, we will be doing our the bestest task for your service and for the service of the student community. So today the students, that the poem that we have today, that is in the syllabus of Punjab University and Sargodha University. So poem ka naam hai The Huntsman. Poem number 7th number par hai textbook ke andar, aur is poem ka title jo hai wo hai The Huntsman, yani ek shikari. Aur ye poem jo hai wo Edward Lowrie ne likhi hai. Edward Lowrie jo hai wo is tarah ki critical aur ironical poems likhne ke andar apna ek naam rakhte hain, और जिस तरीके से उन्होंने आयरोनिकल तरीके से हमारी ऑडियंस को, हमारे रीडर्स को बताने की खूबसूरत कोशिश की है कि इंसान को एक बात के ऊपर हमेशा अमल करते रहना चाहिए, और वो बात ये है कि स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड, यानी चुप रहेंगे तो आपको, यानी बोलेंगे स्पीच इज़ सिल्वर, जब आप बात करते हैं तो आपको इनाम के तौर पर सिल्वर दिया जाएगा, यानी चांदी आपको तोहफे में दी जाएगी, और अगर आप चुप रहेंगे तो फिर उसके बदले में आपको गोल्ड, यानी आपको जेवर सोना आपके हैंडओवर किया जाएगा. स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड. तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की खूबसूरत बात, और यही आज की खूबसूरत बात का मरकज और थीम हमारी इस खूबसूरत पोएम के अंदर मौजूद है. सो पोएम की पहले टेक्स्टुअल लाइंस पढ़ लेते हैं ताकि उसके बाद हमें एक आइडिया हो जाए कि इस पोएम के अंदर पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू, उसका एनालिसिस और उसका मेजर कंसर्न क्या है जो वो कन्वे करना चाहता है सारी दुनिया के लोगों के लिए. तो ये जो लिटरेरी लोग होते हैं, ये थोड़े किस्से कहानियों के ज़रिए बात बताना पसंद करते हैं. लिटरेचर इसी चीज़ का नाम है ना, कि लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. लिटरेचर ज़िंदगी का अक्स है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है. सो इसमें जो लिटरेरी लोग होते हैं वो थ्रू स्टोरीज़, थ्रू नॉवल्स, किस्से कहानियाँ वो एक बनाते हैं, बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बाद वो लोगों को इनडायरेक्टली समझाना चाहते हैं कि वो माशरे में ये चीज़ें सुधरी हुई देखना चाहते हैं. तो इस पोएम के अंदर हमारी मुलाकात एक शिकारी के साथ हो रही है, हंट्समैन के साथ. सो ये पोएम का टाइटल है द हंट्समैन. इसी टाइटल के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि द हंट्समैन, द हंटर इज हंटेड. सवाल ये आता है द हंटर इज हंटेड, आगे लिखा होगा हाउ, यानी शिकारी खुद शिकार हो गया, कैसे. सो होता है कभी कभार ऐसा कि जो बहुत अच्छी स्विमिंग करना जानते हैं वही डूबते हैं, और जो बहुत अच्छा हॉर्स राइडर होता है वही हॉर्स से राइडिंग के दौरान गिरता है. तो आइए पोएम के टेक्स्ट की तरफ चलते हैं. सो वेरी फर्स्ट हमारा स्टैंजा है कि कगवा हंटेड द लाइन. कगवा जो है वो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, ही इज़ द मेन कैरेक्टर. पोएट ने एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर के ज़रिए हमें एक स्टोरी समझाई कि एक शख्स था और वो शख्स का नाम है कगवा. उसने क्या किया, हंटेड द लाइन, वो शेरों का शिकार करता था. अब स्टोरी का ज़रा आगाज हुआ चाहता है, कहाँ पे वो शिकार करता था. सो थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पीयर, यानी वो जंगलों में, झाड़ियों में जाके अपने नेज़े के साथ, स्पीयर कहते हैं नेज़े को, अपने नेज़े के साथ वो शिकार किया करता था. किन का, पहले ऊपर लाइन में बता दिया लाइन. लाइन नंबर 3 है कि वन डे ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन. एक मर्तबा ये हुआ. अब देखें लाइन नंबर 3 में ही शायर ने, पोइट ने हमारी जो तवज्जो है वो अरेस्ट कर ली. आप कह सकते हैं कि द पोइट हैज़ अरेस्टेड ओवर अटेंशन इन द वेरी थर्ड लाइन ऑफ द पोइम. सो यही खास बात है, अगर वो हमारी अटेंशन ग्रैस्प ना करे तो हम पोइम पढ़ेंगे ही नहीं. तो राइटर्स को, पोइट्स को ये जो क्रेडिट जाता है वो यही जाता है कि दे कैच अ वेरी गुड अटेंशन ऑफ द रीडर्स. तो अब सस्पेंस यहाँ पर आ गया. पेपर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि राइट अ नोट ऑन द सस्पेंस एंड द आयरनी ऑफ द पोएम, यानी सस्पेंस और आयरनी के ऊपर लिखिए. ह्यूमर भी आता है कि मजाक भी इसके अंदर हो रहा है, तो उसका लेवल बताइए कि वो मजाक का लेवल क्या है. सो वन डे ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन. एक मर्तबा ये हुआ कि उसने एक खोपड़ी देखी इंसान की. एंड सेड टू इट, और उसने उससे कहा कि हाउ डिड यू कम हेयर, कि तुम यहाँ ए खोपड़ी यहाँ कैसे आई. यानी जो हमारा शिकारी है जिसका नाम कगवा है, उसने एक क्वेश्चन रेज किया किससे, मतलब इमेजिनेटिव एक स्टोरी बना रहा है, एक प्लॉट बना रहा है राइटर. आप जहन में सोच रहे होंगे कि एक आदमी की खोपड़ी जो है वो कैसे बात कर रही, उसने जवाब कैसे दिया होगा. सो लेट्स सी कि कैसे उसने जवाब दिया होगा.
भगवान उसे सवाल पूछा कि हाउ डिड यू कम हेयर, तुम या खोपड़ी यहां कैसे आई। सो इंटरेस्टिंग आंसर दैट हैज बीन स्पोकन बाय द स्कल ऑफ द मैन। उसने कहा कि द स्कल आंसर्ड, खोपड़ी ने जवाब दिया क्या, टॉकिंग अबाउट मी हेयर, कि मैं बहुत ही ज्यादा बातूनी था, इस वजह से किसी शख्स ने मुझे मेरी गर्दन अलहदा कर दी, मेरा धड़ अलहदा कर दिया गुस्से में, या वट एवर द कॉन्टेक्स्ट इज देयर, वट एवर द बैकग्राउंड इज देयर, वी आर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट। हमें वो नहीं बताया गया कि वो गर्दन कैसे, खोपड़ी किस तरीके से, किन वजूहात की बना पे आई। बस पॉइंट बता रहा है कि ही मेट विद द स्कल ऑफ द मैन एंड द हंटर पुट इट इन द क्वेश्चन, उसको सवाल किया कि हाउ डिड यू कम हेयर, जवाब आया कि टॉकिंग अबाउट मी हेयर। अब यहां पर देखिए कि अगर कागवा थोड़ा सा भी विटी होता, थोड़ा सा भी समझदार होता, तो वो यही समझ जाता, क्योंकि वो खोपड़ी उसको कह रही है टॉकिंग अबाउट मी हेयर, कि जुबान मेरी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा बातें करता था, तो इस वजह से किसी शख्स ने मुझे, मेरी गर्दन, मेरा धड़, मुझे मार दिया, मेरी खोपड़ी यहां पड़ी हुई है। अब स्टूडेंट्स यहां पर मुलायजा आप ये कीजिए कि एक एग्जामिनर ने सवाल आपसे बारहा पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सर्वोदय में भी आ चुका है, कि व्हाट इज द हिडन मैसेज ऑफ दिस पोएम। तो आपने पहली लाइन ये लिखनी है कि इफ कागवा हैड बीन सो विटी, अगर कागवा इतना समझदार, अक्लमंद होता, ही वुड अंडरस्टैंड, ही वुड गेट द मीनिंग एंड ही वुड गेट द एडवाइस ऑफ द स्कल, तो वो खोपड़ी की बात पे अमल कर लेता कि बोलना नहीं है, बेजा बोलना नहीं है। एक बहुत अच्छा इंग्लिश का एक मुहावरा भी है कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, पहले भी बता चुका हूं। एक और साथ इसके है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, अरबी में भी कहते हैं अल आकिलू तक फील इशारा, यानी जो अक्लमंद लोग होते हैं ना वो थोड़ा बोलते हैं। ब्रेविटी का मतलब होता है इख्तसार, BREVITY, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, WIT, यानी इख्तसार जहानत की रूह है। इससे मुराद ये है कि द पीपल हु आर वाइज दे स्पीक लीस्ट, वो थोड़ा बोलते हैं, और जो दाना आदमी नहीं होता, जो अक्लमंद नहीं होता, वो ज़्यादा बोलता है। इसलिए कहते हैं ना कि कंट्रोल योर टंग अदरवाइज इट विल कंट्रोल यू, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करो वरना ये तुम्हें कंट्रोल करेगी। और फिर ये भी कहते हैं कि जो टंग है दैट इज़ द स्लाइटेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी सबसे जो स्लाइटेस्ट तरीन जो ऑर्गन है वो ह्यूमन बॉडी में, वो टंग है। और ये भी कहते हैं कि टंग जो है वो जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसमें कोई हड्डी नहीं होती और ये पूरे जिस्म की हड्डियां तोड़वा सकती है, तो इसलिए हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। हमें जो है वो बग़ैर सोचे समझे जब हम बात कर देते हैं तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते कि इन बात का मकसद क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा। सो सेकेंड स्टैंजा, जब कागवा ने वो बात सुन ली, कागवा ने जो स्कल है, व्हेन द स्कल हैड गिवन हिम द आंसर, उसको आंसर दे दिया कि टॉकिंग अबाउट मी हियर, अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है, अ सीवियर सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी दैट हैज बीन अराइजन इन कागवा। उसके दिल में एक बात पैदा हो चुकी है कि मैंने ये बात शेयर करनी है किसी से जाके। अब वो क्या करता है कागवा, हरीड होम। हरीड जो है, वैसे तो हरी जो है एडवर्ब है, लेकिन यहाँ हरीड राइटर ने, जो पोएट है हमारा, उसने इसको एज ए वर्ब लिया है, यानी कागवा हरीड होम, वो जल्दी से दौड़ के घर वापस आता है। वेंट टू द किंग्स चेयर, और बादशाह के पास जाता है, बादशाह के तख्त के पास जाता है, एंड स्पोक, और वहाँ जाके उसने वो सारी बात बता दी है कि बादशाह सलामत, आई हैड सीन सच अ टॉकिंग स्कल एंड आई पुट अ क्वेश्चन टू दैट स्कल एंड द स्कल हैड गिवन मी द आंसर दैट टॉकिंग ब्राउट मी हेयर। मतलब पूरी स्टोरी उसने बादशाह को जाके बता दी है। अब उसने बात जिस तरीके से बताई है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई है कि इन द फॉरेस्ट आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल। उसने जुमला बताया कि बादशाह सलामत, मैंने एक बोलने वाली खोपड़ी देखी है, कहाँ पे, जंगल में। द किंग वॉज साइलेंट, बादशाह बड़ा खामोश था। देन ही सेड स्लोली, फिर उसने आहिस्तगी से कहा कि नेवर सिंस आई वॉज बॉर्न ऑफ माई मदर, कि जब से मैंने जन्म लिया है, जब से मैं पैदा हुआ हूं, जब से मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, हैव आई सीन और हियर्ड ऑफ स्कल विच स्पॉक, मैंने कभी भी ऐसी खोपड़ी के बारे में ना तो कभी सुना है, हियर्ड, ना ही कभी ऐसा देखा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि बादशाह को जब कोई अनयूजुअल कोई हैपनिंग के बारे में बताता तो बादशाह उसको इनामात देता, अशरफियां देते, गोल्ड देते, सिल्वर देते। सो कागवा ने सोचा कि मुझे इनाम मिलेगा। स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन के ऊपर भी सवाल आता है पेपर में कि व्हाट इज द आयरनी इन द पोएम एंड हाउ वुड यू प्रूव दैट, या इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट इज द ड्रामेटिक आयरनी इन द पोएम, इस नज़म के अंदर ड्रामेटिक आयरनी क्या है। तो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि आयरनी इज द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी,
कि जो आपको नजर आ रहा है वो नहीं, जो हिडन है वो असल बात है। तो आयरनी यहां पे ड्रामेटिक आयरनी ये है कि कगवा थॉट दैट ही वुड गेट द रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग, बट ऑन द अदर साइड ही वॉज किल्ड बाय द किंग। उसने सोचा कि बादशाह सलामत मुझे इनाम देंगे जब ये स्टोरी मुझे सुनेंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि बादशाह सलामत के अपने गार्ड्स जो हैं वो मुझे मार देंगे इस बात के ऊपर। कैसे मारा आगे जाके आपको पता चलता है। तो थर्ड स्टैंजा है, द किंग कॉल्ड आउट हिज गार्ड्स, बादशाह ने अपने गार्ड्स बुलाए, बादशाह ने अपने गार्ड्स बुलाए और उन गार्ड्स को क्या कहा, गार्ड्स को कहा कि इसके साथ जाओ, टू ऑफ यू नाउ गो विद हिम, तुम दो गार्ड्स इसके साथ जाओ एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल, और वो जो बोलने वाली खोपड़ी है उसको जरा ढूंढो जाके, एंड इफ हिज टेल इज अ लाई, और अगर इसकी कहानी, टेल से मुराद कहानी, अगर इसकी कहानी झूठी निकली तो क्या होगा, एंड द स्कल स्पीक्स नो वर्ड, और खोपड़ी ने कोई बात ना की, दिस कगवा हिमसेल्फ मस्ट डाई, तो इसकी सजा मौत है। दे रॉड, राइड, राइड होता है सवार होना, राइड सेकेंड फॉर्म रॉड है, दे रॉड इन टू द फॉरेस्ट, तो वो घोड़ों पर सवार होके जंगल में चले गए, फॉर डेज एंड नाइट्स दे फाउंड नथिंग, दिन रात उन्होंने खोपड़ी को तलाश किया, बट स्टूडेंट्स क्या हुआ, दे फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिला। एट लास्ट दे सॉ द स्कल, आखिरकार उन्हें खोपड़ी मिल गई, जब खोपड़ी मिल गई तो कगवा बड़ा खुश हुआ गया, थैंक गॉड कि दे हैव फाउंड द स्कल, अब मेरी जान बख्शी जाएगी। लेकिन अभी एक चीज जो है ना वो साबित हुई है कि खोपड़ी मिल गई है, अभी उससे बात करना बाकी है। सो कगवा ने क्या किया, सेट टू इट, कगवा सेट टू इट, हाउ डिड यू कम हेयर, कगवा ने वही क्वेश्चन किया जो पहली मुलाकात में उसने उससे किया था। द स्कल सेट नथिंग, खोपड़ी ने कुछ ना बोला। कगवा इम्प्लोर्ड, इम्प्लोर्ड स्टूडेंट्स इसका मीनिंग होता है हाथ जोड़ के किसी के आगे घुटने टेक के रिक्वेस्ट करना, वैसे इसका मीनिंग रिक्वेस्टेड ही है, यानी कगवा रिक्वेस्टेड अगेन बट द स्कल सेड नथिंग, लेकिन दूसरी मर्तबा भी खोपड़ी ना बोली। अब उसका कंक्लूजन होने जा रहा है, लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, कि द गार्ड सेड, गार्ड्स ने कहा नील डाउन, ए कगवा झुक जाओ, झुक जाओ। दे किल्ड हिम विद साउड एंड स्पीयर, उन्होंने उसी की तलवार और नेजे के साथ उसको मार दिया। अब कगवा की भी गर्दन स्कल उतर चुकी है, अब क्या हुआ, पहले वाली खोपड़ी यानी स्कल और कगवा की जो स्कल है दोनों पास पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने समझना है। हंट्समैन हाउ डिड यू कम हेयर, अब पहले वाली खोपड़ी जो है उसने मुंह खोला है और वो बोली है, उसने कहा ए शिकारी, हंट्समैन ए शिकारी, उसको मुखातिब किया, इनवर्टेड कॉमास के अंदर उसका डायलॉग लिखा हुआ, हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहां कैसे आई। अब आप सोचिए कगवा ने क्या कहा होगा, कगवा ने उसी का डायलॉग रिपीट किया, कगवा ने कहा टॉकिंग ब्राउट मी हेयर एंड द डेड मैन आंसर्ड, ये आखिरी दो लाइनें बारहा एग्जामिनेशन में आरटीसी के तौर पे आ चुकी हैं, और आरटीसी का मतलब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, और ग्रेजुएशन है, बीए है, एडीपी है, उसमें जिस स्टूडेंट का स्टैंजास का क्वेश्चन स्टूडेंट सही नहीं होता वो उसका ओवरऑल इमेज जो है वो ड्रॉप हो जाता है एग्जामिनर की नज़र में। एग्जामिनर को आप अपने बारे में रियलाइज तभी करवा सकते हैं कि यू आर अ वेरी पोटेंशियल स्टूडेंट इफ़ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और इसको अच्छा आसान तरीके से इस सवाल को अटेम्प्ट करें। सो कगवा ने क्या कहा कि एंड द डेड मैन आंसर टॉकिंग अबाउट मी हेयर, अब मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए कि इसका पहला क्वेश्चन ये है कि वट इज़ द ड्रामेटिक आयरनी इन द पोएम, पहला सवाल। दूसरा इसका सवाल है कि वट इज़ द लेवल ऑफ सस्पेंस एंड आयरनी इन द पोएम, इसके अंदर सस्पेंस क्या है, ठीक है। यहाँ एक और जो मैंने स्टार्ट में आपसे सवाल बताया था कि द हंट्समैन इज हंटेड, शिकारी शिकार हो गया, हाउ कैसे, सो आपने इसके अंदर स्टैंजाज पुट कर रहे हैं, जब आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देंगे तो देन यू हैव टू राइट डाउन डिफरेंट स्टैंजाज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आपने बयान करनी है, और आखिरी दो लाइनें जो हैं ये आपको अगर जुबानी याद हो जाएं वर्बली सो बहुत ही अच्छा है कि एंड द डेड मैन आंसर टॉकिंग अबाउट मी हेयर, कि मुर्दा आदमी ने जवाब दिया कि मुझे मेरी अपनी जुबान ही यहाँ ले आई। मैं वही कोटेशन रिपीट करूंगा कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, एक आप ये यहाँ पे इसमें ऐड कीजिए, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड ये भी लगा दीजिए आप, थिंक बिफोर यू स्पीक यानी बोलने से पहले सोच लो, एंड लुक बिफोर यू लीप और छलांग लगाने से पहले देख लो कि आगे घड़ा तो नहीं है। तो लिहाजा ये सारी कोटेशंस और idioms, phrasal verbs का आप मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अच्छे मार्क्स के साथ आप प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल करें। और ये अगर पार्ट वन में है, अगर आप अलग अलग पेपर दे रहे हैं तो पार्ट वन का अगर आपका अलग से पेपर अच्छा हो जाता है तो पार्ट टू में एक अच्छा स्कोर बनाने के आप काबिल हो जाएंगे और ओवरऑल आपकी पोजीशन आने के भी चांसेस जो हैं वो नुमाया हो जाएंगे, चूँकि ये ह्यूमैनिटीज़ का ग्रुप है, ये साइंसिस का ग्रुप नहीं है, तो इसमें 650 660
यानी 660 नंबर भी अगर आप लेते हैं तो आप बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर जाके ड्रॉप करते हैं। 666 के ऊपर तो पोजीशन कई दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आई हुई है, 664 पे पोजीशन आई हुई है। सो स्टूडेंट्स, पोजीशन लेने की पोजीशन में आप आइए, आप ये ना देखिए कि ये तो कोई एंजल्स का काम है पोजीशन लेना, आप थोड़ी जहन बनाएंगे तो तभी आप इस तरफ चलेंगे ना। तो जब आप अपना जहन नहीं बनाएंगे तो आपको पोजीशन लेने के मामला से आप बहुत दूर रह जाएंगे। तो इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट अपॉन अल्लाह द ऑलमाइटी। सो इफ यू डू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो मस्ट ड्रॉप इन द कमेंट्स बॉक्स एंड इंशाल्लाह वी विल गिव यू द आंसर। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो मस्ट शेयर इन योर डिफरेंट ग्रुप्स, एंड स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल सो मस्ट डू दैट। थैंक यू वेरी मच।